प्रयागराज के शहर दक्षिणी के पूर्व सपा विधायक हाजी परवेज अहमद का इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया है। दक्षिण की सीट से रईस चंद शुक्ला को सपा ने टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। टिकट काटने से नाराज हाजी परवेज ने आज काफी नाराजगी दिखाई। उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के बीच कहा कि उनके इलाके की जनता उनका पूरा समर्थन दे रही है और सपा को जनता का मान रखना चाहिए कि हम बाकी टिकट पे हम कभी विचार ही नहीं किए और हमने कभी टिकट के बारे में सोचा नहीं और कभी सपने में नहीं आया कि हमारे टिकट को काट दिया जाएगा। हम अपने जब साथियों से मिलते थे, हमारे तमाम साथी भी यहाँ पर आवेदन किए थे, हमको कोई इसकी परवाह नहीं थी, इसका दुख नहीं था, इसलिए कि वो समाजवादी थे, हमको बुरा नहीं लगता था। वो आवेदन किए थे, मगर हम जब अपने लोगों के बीच बैठते थे तो हम कहते थे कि आपका टिकट पक्का है, चुनाव आपको लड़ना है। हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव पर इतना भरोसा था, लेकिन इन 15-20 दिनों के बीच में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह किया गया और गुमराह करने के बाद उनको ये बताया गया कि यहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी जीत जाएगा, हाजी परवेज चुनाव नहीं जीत पाएगा। दो मिनट हम टाइम लेंगे आपका कि हमारा टिकट कट गया है, हम मानते हैं, लेकिन आज भी हमारे नेता से माननीय अखिलेश यादव जी से हमको वही मोहब्बत है, वही प्यार है। आज हमारी पार्टी में बड़े नेता कुछ आ गए हैं उछल के दूसरी पार्टियों से, और कुछ हमारे पार्टी के भी दलाल लग गए हैं जो दलाली करते हैं, बड़ी छोटी दलाली करते हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात नहीं मालूम कि यहाँ के नेता दलाली करता है, उनको गुमराह किया जाता है, उनको बताया जाता है। और हमको यकीन है इस बात पर कि जब ये बात लीक होगी, ये बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम हो जाएगी, तो ये नेता भी यहाँ नहीं रह जाएंगे, अपने पदों से इस्तीफा दे के इलाहाबाद छोड़ के भागना पड़ेगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, अब आज हमने जो मीटिंग बुलाई है, आप मीडिया के लोग हो, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन सच सच दिखाना, जो भी दिखाना, इसलिए कि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया कभी सही दिखाती नहीं है। आज आपने देखा हजारों की भीड़ चाहने वालों की, कब ऐलान किया है? रात में लखनऊ में था, रात में आया ऐलान किया, कल 11 बजे। अब क्या ऐलान किया फेसबुक भी देख लीजिए, व्हाट्सएप में, कि विधायक जी कल मुलाकात करेंगे सबसे। ये मुलाकात का आलम है।